दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो है और मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कार का ब्रेक पैड्स का थिकनेस कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ब्रेक पैड का थिकनेस चेक करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब आपका ब्रेक पैड बहुत ज़्यादा घिस जाता है तो जो फ्रिक्शन मटेरियल है वो घिस जाता है कम्प्लीटली, और जो मेटल पार्ट है वो बच जाता है, और वो मेटल पार्ट आपके इस डिस्क में टच होने लगता है और फाइनली इस डिस्क को स्पॉइल कर देता है। अब एक बार आपका अगर डिस्क स्पॉइल हो गया तो इस डिस्क को रिप्लेस करने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे पहले कि आपका ब्रेक पैड बहुत ज़्यादा घिस जाए डेंजरस लेवल तक और आपके इस डिस्क को स्पॉइल करे, आपको बीच बीच में इस ब्रेक पैड का थिकनेस आपको देखना चाहिए कि किस हद तक वो घिस चुका है उसका फ्रिक्शन मटेरियल। किसी किसी ब्रेक पैड में एक छोटा सा मेटल प्लेट अटैच रहता है यहाँ पे, और जब आपका ब्रेक पैड एक लिमिट के बाद घिस जाता है तो वो प्लेट इस डिस्क में टच होने लगता है और एक अजीब टाइप का साउंड क्रिएट करता है। तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये ब्रेक पैड अब घिस चुका है, रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। बट हर एक ब्रेक पैड में उस तरह का मैकेनिज्म नहीं रहता है, तो आपको इसे वॉच में रखना पड़ेगा, आपको इसे खोल के ही देखना पड़ेगा। तो जब भी आपको मौका मिले ये व्हील्स बाहर आए तो आप उसे देख सकते हैं। सपोज पंचर हुआ या फिर आप टायर रिप्लेस करें तो उस समय आप बस 2-3 सेकेंड लगेगा, आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे टर्न कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका पोजिशन। आप अगर यहाँ पे देखेंगे इस कैलिपर में एक यहाँ पे स्पॉट बनाया रहता है और यहाँ पे आपको राइट साइड का ब्रेक पैड दिख रहा होगा, और यहाँ पे देखिए इसका मेटल है ये, और यहाँ पे इसका जो फ्रिक्शन पोर्शन है ये दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये फ्रिक्शन पोर्शन है, अभी इतना ये बचा हुआ है, मतलब ये ऑलमोस्ट अभी न्यू ही है, अभी इतना थिकनेस इसका बचा हुआ है। ये राइट साइड का ब्रेक पैड है, अगर लेफ्ट का आप देखना चाहते हैं तो इधर से आप देख सकते हैं। हालांकि दोनों पैड का जो वियर रेट होता है वो सेम होता है, तो मैं इसका लेफ्ट का भी आपको दिखाऊंगा। ये आपका लेफ्ट साइड का पैड है और देखिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट उतना ही थिकनेस, अभी फ्रिक्शन मटेरियल बचा हुआ है इतना, और अभी ये बहुत ही सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये मेटल पार्ट आने में अभी बहुत टाइम है, यही होता है, ये जो फ्रिक्शन पार्ट है अगर घिस जाता है और ये मेटल इस डिस्क में टच होने लगता है, आपके इस पूरे डिस्क को स्पॉइल कर देता है और आपको नया डिस्क लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और नेक्स्ट टाइम आप अपने ब्रेक पैड्स को चेक कर सकेंगे खुद से बिना किसी कन्फ्यूज़न के, और सही टाइम पे इसे रिप्लेस कर सकेंगे ताकि आपके डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आपका ब्रेकिंग सिस्टम हेल्दी रहे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई आपके लिए नया वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।